हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगेन डिस्क्रीट का एक टाइप है। तो चलिए देखते हैं क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं, एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है। अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिट लगा दें एन टेंस टू इन्फिनिटी और पी टेंस टू ज़ीरो तो पॉइजन बन जाएगा। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैं अपनी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप पुरानी वीडियो देख के देख सकते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो उसका एक लिमिटिंग केस बना देंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी पी टेंस टू ज़ीरो और आप क्यू टेंस टू ज़ीरो भी ले सकते हो। तो लिमिटिंग केस क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या होगा अगर एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है और पी ज़ीरो की तरफ टेंड हो रहा है तो व्हाट विल बी अबाउट एनपी? एनपी क्या होगा? इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो। तो इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो क्या है? इट इज़ अ अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर मैं ये ध्यान रखूं कि किसी भी नंबर में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? ज़ीरो। तो इन्फिनिटी अपॉन इंटू ज़ीरो का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ज़ीरो। अगर मैं इस थ्योरी पे फोकस करूं कि किसी भी नंबर में इन्फिनिटी का इंटू करने से क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। हमारे पास दो थ्योरी हैं, ज़ीरो से इंटू करने पर सारे नंबर क्या हो जाते हैं? ज़ीरो। तो इस थ्योरी से आंसर क्या होगा? जीरो। अगर मैं दूसरी थ्योरी देखूं कि इन्फिनिटी से इंटू करने पे आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। बट दोनों ही यहाँ गलत हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि एन और पी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, उस नंबर को मैं मान रही हूँ एम। ठीक है, तो अब हम लोग इसका प्रॉबिबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। इसकी प्रॉबिबिलिटी का फॉर्मूला है ई टू द पावर माइनस एम एम टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। आर का वैल्यू हम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये अपॉन में आ रहा है 1/2, 1/3, 1/5, जैसे आप मैंने बस इस वाला एग्जांपल लिया था कि एक रोड से बस जा रही है तो कितने दिन तक वो बसेस के जाने का प्रॉबिबिलिटी होगा? तो 1.5 दिन सपोज मैं ले रही हूँ तो 1/2 पे उसका प्रॉबिबिलिटी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब हम फ्रैक्शनल केसेस नहीं लेंगे। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि बायनोमियल से ये फॉर्मूला आया कैसे। तो आपको ड्राइव करना है प्रोबेबिलिटी फंक्शन किसके लिए? बायनोमियल के, पॉइजन के लिए। किससे? बायनोमियल से। तो बायनोमियल का ये लिमिटिंग केस है। तो हम बायनोमियल से स्टार्ट करके पॉइजन पे कैसे जाते हैं? तो वी नो दैट फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है? एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। और बायनोमियल में वैल्यू कहाँ से वेरी करती है? जीरो टू एन, एन के बाद वो क्या हो जाता है? अदरवाइज केस में चला जाएगा। और प्रॉबिबिलिटी का वैल्यू कितना होगा? ज़ीरो। तो पी आर का वैल्यू एन सी आर को मैं क्या लिख सकती हूँ? फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर पी टू द पावर आर। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - p, क्योंकि पी और क्यू का सम 1 है। तो पूरे प्रॉब्लम को मैं पी में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1 - p^n-r और अदरवाइज केस। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स लगा दूँ एन टेंस टू इन्फिनिटी पी टेंस टू ज़ीरो क्यू टेंस टू ज़ीरो तो एन और एम का प्रोडक्ट एन पी क्या हो जाएगा? एम की तरफ टेंड हो गया। मैंने पहले ही बताया कि मेरी दोनों थ्योरी फेल हो रही है तो मैं दोनों के प्रोडक्ट को क्या मान के चलूंगी? एक फाइनाइट नंबर एम। तो जैसे ही मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूंगी एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमारा ये अब किस पी आर का वैल्यू किसके लिए हो जाएगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने यहाँ लिमिटिंग केस लगा दिया। तो हमने लोगों ने क्या किया? लिमिटिंग केस लगा दिया किस पे? बायनोमियल पे। उससे हमें क्या मिल गया? पॉइजन। तो हम लोग अब यहाँ पे वैल्यू फैक्टोरियल एन को एक्सपेंड करेंगे। फैक्टोरियल एन क्या होगा? एन एन माइनस वन एन माइनस टू एंड सो ऑन। ऐसे ही फैक्टोरियल आर क्या होगा? फैक्टोरियल आर। ऐसे ही एन माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? जैसे आप फैक्टोरियल 4/(4)/2 का एग्जांपल लो तो 4, 3, 2 के बाद के नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाएंगे। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर में इससे क्या होगा? आर माइनस वन टर्म बच जाएंगे, बाकी आर के बाद के टर्म कैंसिल आउट होना शुरू करेंगे। तो ये टर्म केवल कितने बचेंगे? एन माइनस आर माइनस वन। जैसे ही आप एन माइनस आर लोगे वो नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या बचेगा? पी टू दी पावर आर। इन दोनों पावर्स को मैं सेपरेट कर रही हूँ, पॉजिटिव पावर ऊपर नेगेटिव पावर्स को मैं नीचे ले जा रही हूँ। तो 1 - p^n 1 - p^r और ये अदरवाइज वाले। अब मेरी आर की लिमिट भी चेंज हो गई, एन टेंस टू इन्फिनिटी होने से ही आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 - ∞ और अदरवाइज। अब मैं क्या कर रही हूँ? पी और एन के पेयर्स बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है? पी टू दी पावर आर।
और मेरे पास ये टर्म कितने हैं, वन टू ऐसे थ्री और आर माइनस वन, तो मेरे पास ये आर माइनस वन टर्म है और एक एक्स्ट्रा एन टर्म है, तो आर माइनस वन और वन मिलके कितने हो गए, आर टर्म्स, तो टोटल ये कितने टर्म्स हैं, आर टर्म्स हैं, तो एक एक पी मैं सबको दे सकती हूँ, तो मेरे पास एक पी मैं एन के संग लूंगी तो कितना आ जाएगा एन माइनस वन, एक पी मैं एन माइनस वन के संग लूंगी तो कितना हो जाएगा एन माइन एन पी माइनस पी, फिर इसके संग लूंगी तो एन पी माइनस टू पी, ऐसे ये कितने हो जाएंगे, आर माइनस वन यहाँ चल रहे हैं और एक एक्स्ट्रा एन, तो टोटल मेरे कितने पी आर पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ऐसे ही वन माइनस पी टू द पावर एन फैक्टोरियल आर, वन माइनस पी टू द पावर आर, ये लिमिट इन्फिनिटी के लिए और ये अदरवाइज केस के लिए। तो अब हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो सारे एन पी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एम में, सारे एन पी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एम में, तो यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा एम एम एम, कितने एम आएंगे आर, क्योंकि ये आर माइनस वन है और एक एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो जाएगा एम, एन पी की जगह क्या आ जाएगा एम, ऑल्सो हमारी लिमिट क्या है पी टेंस टू जीरो, तो सारे पी की जगह कितना आ जाएगा जीरो। साथ के साथ हम लोग एक और केस लेके चल रहे हैं, यहाँ पे केवल पी है तो पी की जगह मैं ऑल्सो क्या ले सकती हूँ एम अपॉन एन, क्योंकि एन पी इक्वल्स टू एम है, एन पी इक्वल्स टू एम है, तो पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एम अपॉन एन, तो एम अपॉन एन भी आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक लिमिट का फॉर्मूला आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, वन प्लस एक्स अपॉन एन टू द पावर एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स का, जब आपका डिनोमिनेटर और पावर दोनों क्या हो इन्फिनिटी। सेकेंड केस में क्या है, आपकी पावर तो कॉन्स्टेंट है, इन्फिनिटी केवल किस पे अप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर पे, मतलब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो रहा है पावर इज कॉन्स्टेंट, तो ये टर्म क्या होगा जीरो, लिमिट अप्लाई कर से सही तो वन टू द पावर के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन, तो ये दोनों केस मैं अब इसमें अप्लाई करूंगी, तो ये एम टू द पावर आर बन जाएगा, अगर यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर पे भी आ रहा है और पावर पे भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करके एक इसका फॉर्मूला बना ई टू द पावर माइनस एम का, और यहाँ पे आर फिक्स है एम अपॉन एन, केवल डिनोमिनेटर पे ही लिमिट लग रही है, आर पे तो कोई लिमिट नहीं लगी है, तो ये फॉर्मूला किसका बना वन टू द पावर आर यानी वन का, तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया ई टू द पावर माइनस एम एम टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। तो इस टाइप से हम बाइनोमियल के लिमिटिंग केस से पॉइजन का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना है पॉइजन के लिए वो क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की हमने ऑलरेडी मैं कंडीशंस अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होना चाहिए और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए वन, ऑल्सो बायनोमियल का फॉर्मूला क्या है ई टू द पावर माइनस एम एम टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर फॉर पॉजिटिव केसेस और अदरवाइज इट इज़ ज़ीरो। ऑल्सो एन क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी क्या है प्रॉबिबिलिटी, आर क्या है सक्सेस के चांसेस, सब क्या होंगे पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव सक्सेस हो नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी जीरो हो नहीं सकती, सारे टर्म पॉजिटिव है, तो एन और पी का प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव, एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल इज अ ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो ई टू द पावर माइनस एम पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टू द पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर, फैक्टोरियल आर भी क्या होगा पॉजिटिव, तो फाइनली सबका मल्टीप्लीकेशन और डिविजन भी क्या होगा पॉजिटिव टर्म, सो अगर मैं ई टू द पावर माइनस एम एम टू द पावर आर और फैक्टोरियल आर निकालूँ तो ये भी क्या होगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज़ द वैल्यू ऑफ पी आर, एंड ऑल्सो हमें गिवन है कि पी आर का वैल्यू अदरवाइज केस में कितना है ज़ीरो, तो अगर मैं इन दोनों केसेस को कंबाइंड करूँ पॉजिटिव वाले और ज़ीरो वाले तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर वन। अब मैं सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी निकालूँ पी ज़ीरो पी वन पी टू एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, मुझे यहाँ इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा एंड मेरा बैरियर नहीं है यहाँ पे, तो अब मैं अपने फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में आर की जगह ज़ीरो पुट करूँगी तो कितना आएगा ई की पावर माइनस एम एम की पावर ज़ीरो फैक्टोरियल ज़ीरो, ई की पावर माइनस एम एम टू द पावर वन फैक्टोरियल वन, आर की जगह टू थ्री एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप इन सब में से कॉमन देख सकते हो ई टू द पावर माइनस एम कॉमन निकल रहा है, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो और फैक्टोरियल ज़ीरो का वैल्यू कितना होता है वन, नंबर की पावर ज़ीरो इज़ वन फैक्टोरियल ज़ीरो इज़ वन, तो वन यहाँ पे बचेगा एम अपॉन फैक्टोरियल वन एम स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एम क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ये किसकी सीरीज़ है ई टू द पावर एम की, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ आप देख सकते हैं, तो अगर बेस कॉमन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ई टू द पावर माइनस एम प्लस एम ई टू द पावर ज़ीरो
और किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होता है, वन। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर टू। तो वन में हमने क्या देखा, पी आर पॉजिटिव है, टू में हमने देखा कि सम कितना है वन। तो वन और टू से क्या कंक्लूड हो गया कि पी आर मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नेक्स्ट मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब मेरा एफ नहीं है, मेरा एफ की जगह क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी। और वेरिएबल मेरा एक्स नहीं है, उसकी जगह क्या है, आर। तो मैं मीन के फॉर्मूले को आर और पी के फॉर्म में सेट कर दूंगी। सिम ऑल्सो प्रोबेबिलिटी क्या है, ई टू द पावर माइनस एम एम टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। अब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली निकालेंगे। तो पहले मैं समेशन पी आर निकालूंगी, वो कितना होगा, पी जीरो पी वन पी टू पी थ्री एंड सो ऑन। आर की जगह आप जीरो पुट करोगे, वन पुट करोगे, टू पुट करोगे और थ्री। सब में से क्या कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर माइनस एम। नंबर की पावर जीरो, फैक्टोरियल जीरो कितना होता है, वन। और एम अपॉन फैक्टोरियल वन, एम स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। दिस इज द सीरीज ऑफ ई टू द पावर एम। तो बेस कॉमन है, ई टू द पावर जीरो बचेगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो समेशन पी आर का वैल्यू कितना आ गया, वन। अब मैं नेक्स्ट निकालूंगी समेशन आर पी आर। तो आर की जगह पहले जीरो पुट करो, तो जीरो इंटू पी जीरो, वन इंटू पी वन, टू इंटू पी टू, थ्री इंटू पी थ्री। तो फिर आप अपने फॉर्मूले में आर की जगह जीरो पुट करोगे, वन पुट करोगे, टू पुट करोगे और थ्री एंड सो ऑन पुट करोगे। तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो वन और जीरो, वन और फैक्टोरियल वन कट के कितना बचेगा, फैक्टोरियल जीरो, टू और फैक्टोरियल टू कट के कितना आएगा, फैक्टोरियल वन, थ्री और फैक्टोरियल थ्री कट के कितना आएगा, फैक्टोरियल थ्री। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो एन अपॉन फैक्टोरियल एन कितना होगा, फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है। अब आप देख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एम भी सब में से कॉमन निकल रहा है और एम भी कॉमन निकल रहा है। तो हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे एम कॉमन आ गया, तो वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो भी वन होता है तो कितना बच जाएगा, वन। अगेन एम भी बाहर निकल गया तो कितना आएगा, एम अपॉन फैक्टोरियल वन। यहाँ से एम कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा, एम स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। तो दिस इज अगेन द सीरीज ऑफ ई टू द पावर एम। सो अगेन बेस कॉमन है, ई टू द पावर माइनस एम प्लस एन, ई टू द पावर जीरो। तो फाइनली कितना बचेगा मेरे पास, केवल एम। तो अब मैं इक्वेशन नंबर टू और थ्री की वैल्यू वन में सब्सिट्यूट करूँगी, तो मीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम अपॉन वन, दैट इज एम। तो इस टाइप से हम लोग मीन निकाल सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट अब मुझे वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, और इट इज सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ की जगह मैं क्या यूज करूंगी, पी, और डी का वैल्यू कितना होता है, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स नहीं है मेरा, उसकी जगह वेरिएबल क्या है, आर। अगेन मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर पी आर, एक्स बार स्क्वायर पी आर एंड माइनस टू आर एक्स बार पी आर। और एक्स बार कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल क्या है, आर और पी आर, तो वो समीशन से बाहर आ जाएंगे। ये मेरी इक्वेशन वन हो गई, या मैं सारे टर्म्स को सेपरेटली निकाल दूंगी। ऑल्सो पी आर का वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस एम एम टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। पहले हम समेशन पी आर निकालेंगे, पी जीरो पी वन पी टू अप टू इन्फिनिटी। आर की जगह जीरो पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे। सब में से ई टू द पावर माइनस एम कॉमन आ रहा है, एम टू द पावर जीरो अगेन वन होता है, तो ई टू द पावर एम बाहर आ गया। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज बन गई अगेन, ई टू द पावर जीरो इज वन। अब मैं आर पी आर का वैल्यू निकालूंगी, जीरो पी जीरो, वन पी वन, टू पी टू, थ्री पी थ्री एंड सो ऑन। तो आर की जगह जीरो पुट करोगे, वन पुट करोगे फॉर्मूले में, टू पुट करोगे और थ्री पुट करोगे, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अगेन फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वन और फैक्टोरियल वन कट के कितना आएगा, फैक्टोरियल जीरो, टू फैक्टोरियल टू कट के कितना आएगा, फैक्टोरियल वन, थ्री और फैक्टोरियल थ्री कट के कितना आएगा, फैक्टोरियल टू। इन सब में से आप देख सकते हो ई की पावर माइनस एम और एम बाहर आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल वन, फैक्टोरियल जीरो वन होता है। यहाँ बचेगा एम अपॉन फैक्टोरियल वन, यहाँ बचेगा एम स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। अगेन दिस इज द सीरीज ऑफ ई टू द पावर एम। सो बेस कॉमन है, ई टू द पावर माइनस एम प्लस एन, ई टू द पावर जीरो इज वन। तो वैल्यू कितनी आई मेरी, एम। अब नेक्स्ट मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, समेशन आर स्क्वायर पी आर की। तो आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर आर माइनस वन प्लस आर, जिससे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर कट के कितना बचेगा, आर स्क्वायर। तो मैं इसको इस फॉर्म में अरेंज कर रही हूँ।
अब मैं यहाँ पे आर को वेरी करूंगी, आर की वैल्यू पहले जीरो पुट करूंगी, पी जीरो ऐसे आएगा जीरो जीरो माइनस वन पी जीरो, फिर आर की जगह वन पुट करूंगी, आर की जगह टू पुट करूंगी, आर की जगह थ्री एंड आर की जगह फोर एंड सो ऑन, इट विल गो टिल इन्फिनिटी। और इक्वेशन नंबर थ्री में मैंने ऑलरेडी निकाला है आर पी आर का वैल्यू कितना है एम, तो फाइनली ये सब मल्टीप्लाई होके जीरो से कितना बचेगा, जीरो, वन माइनस वन जीरो होगा, तो अगेन सेकेंड टर्म भी क्या होगा, जीरो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन और ई टू द पावर माइनस एम, एम स्क्वायर फैक्टोरियल टू, पी टू का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आर की जगह टू पुट करके, ऐसे ये कितना हो जाएगा, थ्री इंटू टू पी, और आर की जगह कितना पुट करोगे, थ्री, ऐसे ये कितना हो जाएगा, फोर इंटू थ्री, आर की जगह कितना फोर पुट करोगे, फोर, ऐसे ये नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फाइव इंटू फोर और आर की जगह क्या पुट करोगे, फाइव, और लास्ट में आपका क्या बच रहा है, एम। तो टू और वन कट के कितना बचेगा, फैक्टोरियल जीरो, थ्री और टू कट के कितना बचेगा यहाँ पे, फैक्टोरियल थ्री से फैक्टोरियल वन, ऐसे ही फोर थ्री कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, फैक्टोरियल टू, आप फैक्टोरियल के लॉस यहाँ लगा सकते हो, फाइव और फोर कट जाएगा और लास्ट में कितना रह जाएगा, केवल फैक्टोरियल थ्री, और फाइनली एंड सो ऑन ये प्रोसेस चलेगा और लास्ट में हमारे पास एक एम एक्स्ट्रा है। तो हम इस पूरी सीरीज से क्या कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर माइनस एम सब में कॉमन है और एम स्क्वायर, तो फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होगा, वन, एम स्क्वायर निकल गया एम अपॉन फैक्टोरियल वन, एम स्क्वायर निकल गया एम स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या एम, तो दिस इज द सीरीज ऑफ ई टू द पावर एम, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एम प्लस एम, एम स्क्वायर प्लस एम, अगेन ई टू द पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होगा, तो इस टर्म का वैल्यू कितना आएगा, एम स्क्वायर प्लस एम। ऑल्सो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि मीन का वैल्यू कितना था, एम, तो अब मैं ये सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करूंगी इक्वेशन नंबर वन में, तो वेरिएंस क्या होगा, समेशन आर पी आर, आर स्क्वायर पी आर का वैल्यू पुट करेंगे वो कितना है, एम स्क्वायर प्लस एम, माइनस टू एक्स बार का वैल्यू एम, आर पी आर का वैल्यू एम, प्लस एक्स बार स्क्वायर यानी एम स्क्वायर और समेशन पी आर का वैल्यू वन, समेशन पी आर वन, सारी आप इक्वेशन वन पीछे से देख सकते हैं, तो फाइनली कितना बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस टू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर टू एम स्क्वायर और माइनस टू एम स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा एम, तो वेरिएंस का वैल्यू कितना हुआ एम, तो इसका रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखी होगी, मेरा मीन कितना आया था एम, वेरियंस कितना आया एम, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिमार्क है कि फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरियंस क्या होते हैं, सेम। तो हम लोगों ने क्या देखा, कैसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस बना के पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, फिर उसका कैसे हम मीन निकालते हैं, कैसे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया तो आप इसे लाइक शेयर या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।